कई बार वीडियो शूट करते समय आप लोगों ने मेरे फिंगर में जो डायमंड रिंग देखा होगा उसकी डिटेल इस वीडियो में देंगे। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी टूर एक्सप्लोर। गाइस, मेरी कुछ हेल्थ इशू हो रही थी तो इसलिए मैं आप लोग को वीडियो नहीं आप लोग के साथ शेयर कर पा रही थी, ज्वेलरी वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी। और मैं इधर बीच कोशिश कर रही हूँ कुछ नए ब्रांड से भी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँ, ज्वेलरी वीडियो। तो मैं कुछ वहाँ भी ट्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है इसके लिए, सॉरी, बट मैं आप लोग के लिए वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगी और नए ब्रांड से लेकर आऊँगी। आप लोग को बहुत अच्छा लगने वाला है, बस ऐसे ही आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए मेरे ऊपर। गाइस, मेरे पास काफ़ी टाइम पहले एक कॉमेंट आया था जिसमें मुझसे रिक्वेस्ट किया गया था कि आपने जो रिंग पहना है प्लीज़ उसकी भी वीडियो ले आइए। एक रिक्वेस्ट आई थी इस मेरे डायमंड रिंग के ऊपर कि आप डिटेल वीडियो ले आइए। तो आज इस वीडियो में मैं वही डिटेल देने वाली हूँ, तो वीडियो में एंड तक रहिए प्लीज़। और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, आप लोग के प्यार और सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है गाइस, मेरे लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है, सब कुछ आप लोग की वजह से है और इसका पूरा पूरा श्रेय आप लोग को जाता है। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। और चलिए फिर मैं आपको सारे डिटेल बताती हूँ। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जिस रिंग की बात हो रही थी वो रिंग मैंने ये पहना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। अभी मैं आपको डिटेल बताती हूँ। ये है उसका बिल, ये तनिष्क का बिल है, तो ये देखिए। और ये तनिष्क से ही मैंने लिया था, इसे कुछ टाइम हो गया, लेकिन इसका जो आप जब भी कोई चीज़ ख़रीदते हैं तनिष्क से तो वहाँ पर आपको बिल दिया जाता है, साथ में आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो मेरे पास इसका सर्टिफिकेट नहीं है, अब मिस हो गया है, लेकिन बिल मेरे पास रखा हुआ है। मैं उसके थ्रू आपको सारी चीज़ बता दूंगी, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो में देखते हैं इस रिंग की फुल डिटेल। सो गाइस, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये सारी ही चीज़ दी हुई है। ये इसका गोल्ड रेट है, जिस रेट पे मैंने शॉपिंग किया था, 18 कैरेट, 14 कैरेट, 22, 24 कैरेट का जो भी गोल्ड रेट था वो ये यहाँ पर दिया हुआ है। तनिष्क ऐसे ही, जब आप कोई सामान वहाँ से ख़रीदते हो ना, कोई भी ज्वेलरी, तो ऐसे ही डिटेल्ड आपको देता है अपने बिल पर। और आप देख सकते हो इस प्रोडक्ट का ग्रॉस वेट है, स्टोन वेट है, मेटल वेट है, और इसका जो प्राइस है और फाइनल प्राइस सब कुछ दिया हुआ है। ये इस फिंगर का आप देख सकते हो, क्लियरली मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये है, ये इसका कोड है गाइस, ये इसका कोड है, आप देख सकते हो, मैंने अंडरलाइन कर दिया इसको, हाईलाइट कर दिया। ये इस रिंग का कोड है और गोल्ड जो कैरेट है ना, 18 कैरेट है। और आप देख सकते हैं इसका जो टोटल वेट था रिंग का, ये है 2.784 ग्राम। और इसमें जो स्टोन लगा हुआ है, स्टोन इसमें है 0.362 सेंट का इसमें स्टोन लगा हुआ है। और इसमें जो मेटल है ना, यानी कि गोल्ड, 2.712 ग्राम का है। और इस प्रोडक्ट का जो ग्रॉस इसका जो प्राइस था, 62,496 रुपी 29 पैसे थे। और इसमें ये सारे टैक्सेस हैं, तो आप देख सकते हो, ये मैंने जो स्कीम अपनी करा रखी थी तनिष्क में, GHS स्कीम, तो उसके थ्रू मैंने ये परचेजिंग किया था और उसमें जो बोनस मुझे मिला था वो ये है। और सारे टैक्सेस को इंक्लूड करने के बाद इसका जो फाइनल कॉस्ट था, यानी कि ये अमाउंट जो GHS स्कीम का बोनस था, वो इस फाइनल कॉस्ट में से डिडक्ट हो गया था। और मेरा फाइनल कॉस्ट बनता है इस फिंगर रिंग के लिए जो डायमंड की है, डायमंड फिंगर रिंग है, 60,509 रुपी।
ये इसका फाइनल कॉस्ट है गाइस, आप देख सकते हो। ये देखिए आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो ये मैंने आपको पूरा दिखा दिया। आप एक बार कोड फिर से देख सकते हैं, मैं दिखा दे रही हूँ। ये देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये मैंने जो ये आपको इस तरीके का स्टैंप लगकर मिलता है, मतलब सब कुछ आपको बिल्कुल आप ट्रस्ट कर सकते हो तनिष्क ब्रांड पर। सो आप देख सकते हो गाइस, ये जो मैंने डायमंड रिंग पहना हुआ है, ये रिंग है। मैं बिल्कुल क्लोजली इसको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको इसका एक एक स्टोन दिखाई दे जाए। ये देखिए, और इसकी जो शेप है ना, ये मुझे बहुत पसंद आई थी क्योंकि इसकी शेप मुझे कुछ क्राउन जैसी दिखाई दी। आप देख सकते हो, मैं ये देखिए दिखा रही हूँ, इसकी डिज़ाइन जो है ना, ये कुछ क्राउन जैसी है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी इसलिए मैंने इसे सेलेक्ट किया था। और इसमें आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ कि जब भी आप इसे पहनते हो ना, ये फैब्रिक में बिल्कुल भी अटकती नहीं है, तो इसे आप डेली यूज़ में पहन सकते हो। सेम कॉस्ट में मुझे कुछ कॉकटेल वाली एक डायमंड रिंग मुझे अच्छी लग रही थी, बट मैंने उसे नहीं लिया, इसे लिया, क्योंकि उसमें ये कोई भी फैब्रिक ना फंस रहा था और ओकेजनली ही पहन सकती थी, बट ये मुझे शेप डिज़ाइन बहुत अच्छी लगी और इसमें फैब्रिक बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना करता, इसलिए मैंने इसे सिलेक्ट किया और मैं इसे डेली यूज़ में इसे वेयर करती हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, ये रिंग आपको कैसी लगी आप मुझे ये भी कमेंट करके बता सकते हो, और आप लोग की जल्दी सारी रिक्वेस्टेड वीडियो आने वाली है। मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आप लोग की सभी रिक्वेस्टेड वीडियो को जल्द लाने की। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।